कि वहाँ पे रोड बिल्कुल नहीं दिखती। गाइस अपने जिस पे आना बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है, शिंकुला पास सामने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। मेरा नाम है आतिफ सरीन, वेलकम टू दी चैनल। फाइनली आज हम जा रहे हैं ज़ंस्कार करने के लिए। कल मैं मनाली आ गया था। दिल्ली टू मनाली की जर्नी जो मेरी हैक्टिक रही है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। आज का प्लान ये है कि आज हम जाएंगे अटल टनल होते हुए ज़ंस्कार, ठीक है, शिंखुला पास करेंगे और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे पादुम की तरफ। कॉन्वोनेंट से आगे बढ़ेंगे, जैसे भी होगा प्लान पता लगता रहेगा। वैली ऑफ गॉड्स के नाम से ये होटल है और वशिष्ठ टेम्पल के पास पड़ता है। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। और ये रहा रूम, मैंने बैग पैक कर लिया पूरा। रूम बहुत अच्छा था, 1213 रुपये में मुझे ये रूम मिल गया था। और वॉशरूम भी बहुत अच्छा वॉशरूम था, ये देखो खुला। तो अब यहाँ से निकलते हैं, मैं आपको मिलता हूँ मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे। जैसे भी होगा बढ़ता रहेगा। इस बार मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि मैं इस बार कोई प्लान करके नहीं आया, कोई आइटनरी बना के नहीं आया। मुझे जो जो एक्सप्लोर नहीं किया ना, मुझे वहाँ पे जाना है किसी भी हालत में। तो बस आगे बढ़ते हैं और मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप में मिलता हूँ आपसे। कितने किलोमीटर चल गई? 6666। लो बैटरी दिखा रहा है, आई थिंक ये रात को ठंडी पड़ गई, मे बी दैट्स द रीज़न। वशिष्ठ रोड पे ना आपको थोड़ा सा ना क्राउड कम मिलता है, इसलिए मैं हमेशा होटल यहीं पे लेता हूँ। लद्दाख रियल में एक ऐसी जगह है जो आपको जीवन में ना एक बार अपनी लाइफ में एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। कैसे भी करके आओ, छुट्टी लेके आओ, कुछ भी करके आओ, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये सफ़र रियल में बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ से आ रहे हो सर? कहाँ से आ रहे हो? तमिलनाडु से? बाइक साइकिल से? वेरी गुड सर, दिस इज़ योर ड्रीम, दैट्स नाइस, रियली नाइस सर। बाइक में थोड़ी हालत टाइट हो जाती है, बट बाइक साइकिल में चलाना इट्स। हाँ, June 15। विच प्लेस यू हैव ट्रेवल सो फार? विच यू स्टार्टेड फ्रॉम तमिलनाडु देन? ओके 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 Hyderabad to Karnool. Okay. Karnool to Rajmahal. Okay. Rajmahal to Delhi gate. Delhi gate Shimla. Shimla to. Sir, congratulations. Very good, sir. Both nice. Both is good. Very good. It's very good that you are achieving your dream. Good. Cool. Take care. भाई बाइक में आना इतना मुश्किल पड़ जाता है, बट साइकिल से बंदा लद्दाख कर रहा है। ये होता है पैशन, इसे कहते हैं पैशन। लोग बहाने मारते हैं कि हमारी पीठ में दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई ये लोग मोटिवेट करते हैं। सोलो ट्रिप में सब एक ही इशू आता है मुझे, मेरी कोई फ़ोटो नहीं खींच पाता, खुद ही एंगल करके फ़ोटो खींचनी पड़ती है। या कभी कोई लोग मिल जाए तो मैं फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना चाहता था, बट यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो ये है सोलांग वैली। सर्दियों में आओगे तो पूरी बर्फ़ होती है यहाँ पे, पूरी बर्फ़। लुक एट द व्यू, मेस्मराइजिंग व्यू है यार रियल में। ऐसा लगता है कि जिन्हें पेंट कर दिया हो ग्रीन कलर से, ग्रीन ब्लैक कलर से। रियल में यार ऐसा लगता है। जब कैमरा बंद कर रहा हूँ ना, तब तक एक ऐसा सीनिक व्यू आ जाता है कि कैमरा ऑन करना पड़ जाता है। अबे भाई सीनिक व्यू के चक्कर में स्पीड बढ़ गई थी मेरी अभी। यहाँ पे बहुत संभाल के चलाना पड़ता है गाइस, बहुत संभाल के चलाइएगा। फाइनली वी हैव रीच अटल टनल साउथ पोर्टल, जो 10,040 फीट में बस आया हुआ है। ये जो अटल टनल है ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर का है, 10,040 फीट में बसा हुआ है। और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि रोहतांग को ये बाईपास करता है, जिसको करने में लोगों को बहुत टाइम लगता था। अब चुटकियों में आप दारचा पहुँच जाते हो, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पे ना ठंड है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैंने अंदर वार्मर कुछ नहीं पहना हुआ, एक पॉलिस्टर की सिर्फ शर्ट पहनी हुई है। और अभी मैं ना वाइजर खोल के चला रहा हूँ, तो हो सकता है आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि दिखता नहीं है, फिर चश्मे ना फॉग जम जाती है। मैं ना 360 जो है कैप्चर कर रहा हूँ, इसकी रील बना के इंस्टाग्राम में डालूँगा, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलेगी। जो भी एक बार देखता है ना, वो ये ज़रूर कहता है कि आदित्य, जिस हिसाब से तेरा पैशन है, काम है, तू जिस हिसाब से मेहनत कर रहा होता है इंस्टाग्राम रील्स में भी, उस हिसाब से फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार जाके देखिएगा मेरे काम को, और पसंद आएगा तो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी नीचे आ रही होगी यहाँ पर, तो एक बार देख लीजिएगा। ऐसा लग रहा है पूरे टनल में सिर्फ मैं ही मैं हूँ, कोई आते हुए नहीं दिख रहा, कोई जाते हुए नहीं दिख रहा। एक गाड़ी दिखी अब पीछे भी कोई नहीं है मेरे, देखो पीछे भी कोई नहीं है। अटल टनल अभी क्रॉस कर चुका हूँ। अटल टनल जो 10,040 फीट पर बसा हुआ है, यहाँ पे अभी कोई नहीं है, सिर्फ मैं और एक दो राइडर है, बाकी बिल्कुल खाली है। मुझे रियल में पसंद तभी आता है जब बिल्कुल खाली रोड मिलती है। बाइक अपनी तीसरी बार अटल टनल क्रॉस कर चुकी है। बहुत सुंदर नज़ारे, अगर आप देखोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा अटल टनल से कुछ व्यू। तो 50 रुपये का पर्ची है यहाँ पे, पकड़ना एक मिनट गिरना जाए। तो साडा का डेवलपमेंट, यस सर। मैं अभी शिंखुला जाऊँगा, पहले शिंखुला से ले जा ले पादुम होते हुए, ले कर चुका हूँ। तीसरी बार है मेरा, तीसरी बार है। तो शिंखुला भी शिंखुला कर चुका हूँ, गौरवरंजन कर चुका हूँ, पादुम नहीं किया हुआ। हाँ चलो, ये सारा डेवलपमेंट बैरियर फी है जो हमने पे कर दिया 50 रुपये। बस ओहो, नदी का फ्लो देखो यार, पानी का फ्लो देखो कितना तेज है। मिट्टी में ना बाइक फिसल रही है पूरी। ये तो अच्छा हुआ मैंने टायर चेंज करवा लिए, अदरवाइज पुराने वाले टायर होते ना तो स्किड मारती बहुत बुरी तरह। यकीन मानोगे जुलाई का महीना चल रहा है, ऊपर पहाड़ों में अभी भी बर्फ है। देख रहे हो कितना ही सुंदर व्यू है यार, लुक एट दिस व्यू, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है यार। टांडी 21 किलोमीटर है यहाँ से। आई नो आवाज़ में ना डिस्टर्बेंस आ रही होगी, बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। बट यार ये जो रोड बनी हुई है, ऐसे पहाड़ों में इतनी अच्छी रोड बनी हुई है ना, चलाने में ना मज़ा आ जाता है। टांडी पहुँच गए हैं। ये है टांडी ब्रिज, एक होता है मंडी, दूसरा है टांडी यहाँ पे एक पत्थर से मंदिर बनाया हुआ है, अंदर अगरबत्ती भी लगाई हुई है, मैंने देखा पैसे भी रखे हुए हैं, और एक तस्वीर है, छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, धूप बत्ती भी है अंदर, बड़ा सुंदर सा लग रहा है। शशनगढ़ नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। बड़ी लंबी चढ़ाई करने के बाद, चलाने के बाद हम पहुँच चुके हैं जिस्पा। जिस्पा में भी आप आके रुक सकते हो। यहाँ पे आपको टेंट, होटल, साथ है गेस्ट हाउस सब मिल जाते हैं। ये व्यू है यहाँ से, जहाँ से मैं खाना खा रहा हूँ। अंदर भी बैठ के खाना खा सकते हो, बड़ा बाहर बैठ के भी। और ये रही अपनी बाइक, थैंक यू। तो ये राजमा चावल, जीरी चटनी, बने। मैंने ये देखा है हिमाचल प्रदेश में, अगर आप खाना खा रहे हो ना, आप कहीं पे भी रुके हो, जैसे जिसमें मैं, जहाँ पे मैं दीदी के पास रुका था, दीदी भैया के पास, इन्होंने इतने तरीके से खाना खिलाया है ना कि ये खाओ वो खाओ, आपको चावल चाहिए तो आप चावल एक्स्ट्रा ले लो। दारचा पहुंच चुके हैं। दारचा का ये ब्रिज बहुत लंबा ब्रिज है, बहुत ही ज़्यादा लंबा। तो यहाँ से आप ऊपर जब लेंगे तो आप सीधा पहुँचेंगे लेह की तरफ। हमें जाना है शिंखुला, तो हमें जाना है सामने, ये रास्ता सामने शिंखुला का रास्ता लिखा हुआ देखो। शिंखुला 39 किलोमीटर, पादुम जो है 143 किलोमीटर है यहाँ से, और चीका ज़ंस्कार सुमदो 17 किलोमीटर। वाटर क्रॉसिंग दिख रही है तो हाँ भाई वाटर क्रॉसिंग ही है, पहली वाटर क्रॉसिंग अभी तक की। जूते में ना चले जाए बस। पानी का फ्लो बड़ा तेज है यार, मेरे पास ये डर है कि गौनवो रंजन के पास जो रोड पे पानी आया था वो ज़्यादा तेज़ ना हो, तो उससे डर लगा रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पे रोड बिल्कुल नहीं दिखती। भाई अभी गिरता, ओ हो। स्किड कर गई थी बिल्कुल बाइक मेरी, बिल्कुल स्किड, ओहो बिल्कुल ही स्किड कर गई थी बाइक। बाइक ऊपर चल ही नहीं रही है बिल्कुल, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही बाइक को, बिल्कुल ऊपर नहीं चल रही, मन मर के चल रही है इतनी धीरे धीरे। भाई साहब भाई ये तो अच्छे अलग लेवल की वाटर क्रॉसिंग हो गई है भाई, पहले ना ये इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई है। तो भाई साहब मुझे लगता है मुझे वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे पानी कम आ रहा है। जूतों के अंदर पानी चला गया यार। आगे पीछे करके आदित्य, ओह बिल्कुल फंस गया। निकल गया भाई, निकल गया आदित्य, बस थोड़ी देर की। तो भाई साहब अलग ही लेवल की वाटर क्रॉसिंग हो गई ये तो। ये होती है वाटर क्रॉसिंग तो। हाँ कम ऑन, फाइनली बिना किसी हेल्प के वाटर क्रॉसिंग कर ली। जूतों में पानी चला गया बस, पानी ना जूतों पे चला गया बिल्कुल, सिर घूम गया मेरा। रियल में यार अपनी एलेक्सा ना किसी बाइक से कम नहीं है भाई। ये वहाँ मुझे निकाल देती है जहाँ पे लोग सोच भी नहीं पाते। ओ भाई साहब, देख रहे हो। चलो चलते हैं, अब क्रॉसिंग तो करनी पड़ेगी, पर यहाँ पे कोई है भी नहीं तो आराम से फर्स्ट गियर में फटाफट निकलते रहो। देख लो पूरा पानी अंदर गया, बैग के भी पूरा जूतों में फिर से पानी आया है। हाँ, पूरा बैग के अंदर पानी, पूरा पानी ना बैग के अंदर गया होगा। आगे भी एक वाटर क्रॉसिंग है यार, बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग आ रही है। हाँ, बर्फ जुलाई के मध्य में देख रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी कुछ है वाटर क्रॉसिंग। यहाँ पे है भाई, यो भाई साहब, चल 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 चल। उतर के करना पड़ेगा। बड़ी देर तक खड़ा हुआ था, आपको बुला रहा था मैं, बड़ी देर से मैं ऐसे कुछ करने की कोशिश करता हूँ भाई, सुनोगे ही तांगे यार कहाँ से अटका हुआ है, वहाँ से भागना है, फिर पीछे रखना भी होगा, कैमरा अटका हुआ है, ये कैमरा अटका हुआ है, मैं उठाता हूँ थोड़ा, सुनोगे उठाओ उठाओ कैमरा, हेलमेट हटा दो पीछे पीछे कर दो, नहीं इधर तो भाग नहीं देगा तो यहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा, ऐसे ही होगा, एक दो आने ही पड़ेगा, फोन करो ऊपर, हाँ फोन करो, नीचे रखो तो वहाँ से आना पड़ेगा, ऐसे ही चढ़ जाएगी या तो बीच, चलो करते हैं आप पहले पे डालो जाना हुआ चलो चलो तेज आगे बस 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 थैंक यू भाई। अभी स्टैंड लगा के ऑन करके रख दो, पानी भर गया होगा अंदर, थोड़ी देर खड़े हो ऑन कर दो बस, पानी अंदर ना चला जाए पानी। अब उनसे पूछ हम भी आ जाएंगे, दो मीनार लेके मिलेंगे। वन ऑफ माई टफेस्ट राइड है अभी तक की यार, ये वन ऑफ माई टफेस्ट। शिंकुला टॉप पहुंच गए हैं, शिंकुला पास सामने, देख रहे हो कोई नहीं है अभी, कोई भी नहीं, एक भी बाइकर नहीं दिख रहा। हम पहुंच गए हैं शिंकुला टॉप, ये शिंकुला टॉप, ये नाइस ऑसम। दूसरी बार 16 या 580 फीट पे है, 16 या 580 फीट पे हम अभी। तो यहाँ पे तब भी पानी नहीं है, पिछली बार जब मैं आया था तो पूरा चिकना था ये एरिया, और यहाँ पे राइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि अब ना सारा स्लोप है नीचे की तरफ, सारा नीचे की तरफ स्लोप है। पहले इसको जाने देते हैं, इनका भारी भरकम ट्रक है। पादुम तो नहीं पहुँच पाएंगे आज यार, पादुम यहाँ से कम से 103 किलोमीटर है, पादुम पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, जहाँ पे भी लगेगा ना मैं पहुँच पाया हूँ वहीं पर कुछ लेके रुक जाएंगे, फालतू में टेंशन नहीं लेनी कि कल को मैं भुगत रहा हूँ कि हाँ मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि अभी कोई बाइकर दिखा ही नहीं है इस एरिया में, मैं ही अकेला हूँ जो यहाँ पे राइड कर रहा है। गाइस अपने रिस्क पे आना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है, थोड़ा ना कैमरे का एंगल टेढ़ा हो गया होगा क्योंकि माउंट ना थोड़ा सा क्रैक हो गया, उसकी वजह से ना लेफ़्ट साइड में झुक रहा होगा, आई नो, बट थोड़ा मैनेज कर लेना। हाँ एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको एडवेंचर करना है ज़ंस्कार में तो अभी आ जाओ, वरना कुछ टाइम में तो रोड बनने ही वाली है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे रोड बनने का काम बिल्कुल तेज़ी से स्टार्ट है। वरना लद्दाख की तरह सारा एडवेंचर यहाँ पे भी ख़त्म होने वाला है। मेरे सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो इसी को कहते हैं गोनबोरंजन, ये वाला पहाड़। ये रहा गोनबोरंजन, माइटी गोनबोरंजन। अभी मैं अपने टेंट में आ चुका हूँ, जो मैंने टेंट लिया है 1200 रुपये में, डिनर करके आया हूँ और बहुत ठंड है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है, कोई वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इतनी ठंड है और सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या पार्ट अच्छा लगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। एंजॉय, बाय, टेक केयर।